व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके नीरज चोपड़ा ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, और उसी खुशी में मोदी जी ने क्या बोलते हैं उनसे बात करी है फोन पे। तो मोदी जी ने क्या कहा, जो अपने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, इस बारे में देखते हैं साथ में वीडियो। और जी न्यूज के ऊपर बहुत प्राउड मोमेंट है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, कमेंट बॉक्स में नीरज चोपड़ा भाई ओपी जरूर हो जाए। और एक मेहनत लगती है एक एथलीट को, सालों साल बचपन से लेकर इतने टाइम तक मेहनत करें उसका फल मिलता है, फिर वो सिर्फ एक दिन में कोई खिलाड़ी हीरो नहीं बन जाता। ये तो ये उसके पीछे बहुत संघर्ष और मेहनत होती है। तो साथ में वीडियो देखते हैं, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी हम रिएक्शन वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। 1 2 3 नमस्ते सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। बहुत दुआ उसी ने मुझे यहाँ पे याद बताया। पानीपत ने पानी दिखा दिया। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है। जी बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम कर। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, तो हंसते खेलते थे आप। आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। हाँ। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्या बात, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त को मिलेगा ना। थैंक यू। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीरज चोपड़ा के साथ ये पूरा संवाद, जिसमें उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और बताया कि किस तरह से वो किसी प्रेशर में नहीं थे, उनमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था। पहले भी बात संवाद किया था इससे पहले, टोक्यो रवाना होने से पहले सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस टाइम का वो जिक्र कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का वक्त था, बहुत ज्यादा मुश्किलें झेली, और नीरज चोपड़ा भी इस पर बोले कि काफी मुश्किलें आईं और देश का नाम किस तरह से रोशन किया नीरज चोपड़ा ने, इसके लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
और कॉन्फिडेंस की बात कि प्रेशर नहीं लिया नीरज चोपड़ा ने और यही शायद उनके पक्ष में भी गया। और पिताजी और परिवार वालों को भी प्रणाम किया प्रधानमंत्री मोदी ने और 15 अगस्त का निमंत्रण भी दिया और बहुत ज़्यादा देश उन पर गर्व कर रहा है। बहुत ही खुशी का मौका नीरज चोपड़ा ने दिया, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी कि पूरे देश को खुश कर दिया है नीरज चोपड़ा ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से। जब आप मेहनत करते हो ना और बिल्कुल मतलब कि इतने कॉन्फिडेंट आप खुद हो जाते हो कि बस अब हासिल करना है, स्ट्रगल देख के हर चीज देख के बोल रहे हैं कि प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रगल देख रहे हो आप। कोरोना वाला टाइम आ गया था सही में, हाँ ये तो बहुत ज्यादा, वैसे ही लोगों में इतनी टेंशन हो गई थी, स्ट्रेस हो गया था, उसके बाद ओलंपिक्स डिले हो गया, ये भी था कि होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये नहीं कर सकते थे ना कि चलो अभी नहीं पता होगा नहीं होगा तो हम रेस्ट करते। एक खिलाड़ी 1% भी रेस्ट नहीं ले सकता उस टाइम पे, उसको हर रोज प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर वो 10-15 दिन 1 महीना भी रेस्ट ले लिया तो वो अपने रिदम से गायब हो जाएगा और प्लस बीच में इंजरी हो गई थी इंजरी भी आती, तो अपने आप को उसी रूटीन में रखना जाते हुए मतलब कॉन्फिडेंस था। वो होता है ना कि जब आप जा रहे हो किसी, एक होता है कि ऐसा होता है यार होगा नहीं होगा टेंशन में, टेंशन नहीं, आपको खुद में आत्मविश्वास रखना है कि मैंने इतने साल मेहनत करी ना इस दिन के लिए तो बेस्ट देना, नर्वस नहीं होना। नो डाउट हल्की सी नर्वसनेस होती है लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना रखो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना अरे कर देंगे नहीं, लेकिन ये जो कि मैंने इतनी मेहनत करी अपने को इतना प्रिपेयर करा है अपना 100% देके आऊंगा और पूरी कोशिश करेंगे और वो चीज साबित करके दिखा। और मोदी जी ने अपने ऊपर यार थोड़ा सा और ये कर लेता ना, पुश कर लेता तो ये हो जाता। और जिस तरह प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएशन दिया दिखाया है ना, बहुत अच्छे से, बहुत ही मोटिवेशन होता है, बहुत इंस्पिरेशनल वाली चीजें हैं ये कि आपको प्राइम मिनिस्टर भी आप लोग को इतना सपोर्ट करता है और इनवाइट किया अभी 15 अगस्त को जो अपना क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे भी है उस पर। एक चीज आप देखा करो कि ये मूवमेंट्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, आप किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स की जा रहे हो या किसी भी काम में, कि आप अगर जुनून से लगे रहोगे ना तो आप मेहनत करते करते उस मुकाम पे पहुंच सकते हो। और ये चीज स्पोर्ट्स की दुनिया में करियर बनाना तो आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ता है, इंस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रोल मॉडल साबित हुए हर एक यंगस्टर के लिए और युवा पीढ़ी के लिए, और एक फौजी भी है साथ साथ, तो कहा ना कि आप बच्चों को भी ट्रेन कर पाओगे। मोदी जी ने बहुत ही प्यार तरीके से बात करी और साथ में कहा ना पेरेंट्स को भी मेरा नमस्कार करना और कोच के लिए बहुत बड़ी बात करी, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत, वही होता है कोच की मेहनत मतलब बराबर रहता है, क्योंकि संभालना, डिमोटिवेट भी कई बार हो जाते तब भी उनको उस टाइम पे भी समझाना हर एक चीज करना। तो मोदी जी एक तरह से कोच के लिए भी टेस्ट हो जाता है ये पूरा। जो मेहनत करी ना नीरज चोपड़ा ने आज बहुत उसका फल है ये, नहीं है कि हाँ बस वो भाला उठाया और फेंक दिया वो उसका फल नहीं, मेहनत इतने सालों करी तब जाके मेहनत रंग लाई और आज वो दिन पूरा देश देख रहा है किस लेवल की फिटनेस, वर्ल्ड पे किस लेवल की फिटनेस चाहिए इस चीज के लिए भी। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है मेहनत। तो भाई एक बार नीरज चोपड़ा भाई ओपी हो जाए पूरे देश का नाम रोशन कर, ऐसे ही खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किया है, चाहे वो फिफ्थ नंबर पे आए, चाहे फर्स्ट पे आए, चाहे वो पार्टिसिपेट भी करके आए, वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है एथलीट के लिए। और जो आज सीख रहे हैं क्या होता है, मेहनत हर बंदा उसी लेवल की कर रहा है ना, वहां तक जाने के लिए समझ रहे, सुबह जल्दी उठ के अगर दौड़ रहे, फिटनेस कर रहे, बंदा वो भी मेहनत काबिलियत सब में थी, बस इतना सा फर्क रह जाता है। और एक और चीज, आज जो आपके सामने आसपास कोई मेहनत कर रहे हैं ना अगर, तो आने वाला फ्यूचर हो सकता है देश का, तो उसको अप्रिशिएट करें, डिमोटिवेट ना करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, नेक्स्ट नीरज चोपड़ा आसपास ही हो। हाँ, तो इसीलिए जो भी मेहनत करता है ना भाई, चाहे वो आज किसी लेवल पर हो, चाहे वो शुरू भी कर रहा हो, मोटिवेट करें उन्हें, उनकी हेल्प करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।